हेलो लर्नर्स, आई एम विनीता पंत फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी. एंड इन टुडेज लेक्चर द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज बिहेवियर थेरेपी, जिसे व्यवहार चिकित्सा बोला जाता है. तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बिहेवियर थेरेपी, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर थेरेपी यानी मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिहेवियर थेरेपी, टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड एवेल्युएशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो व्यवहार चिकित्सा या बिहेवियर थेरेपी जो थी उसकी जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो जो उसकी बिगिनिंग हो गई थी वो 1900 के आसपास से हो गई थी, लेकिन एज अ पर्टिकुलर ब्रांच वो इस्टेब्लिश हो पाई थी इन 1950s और 60s. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवान पावलोव डेवलप द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, एंड आफ्टर दैट जॉन वॉटसन वॉज हु वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म और फादर ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी, यूज पेवलॉफ्स प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑन यंग चाइल्ड एल्बर्ट. सो इन हिज एक्सपेरिमेंट वॉट ही डिड इज एक चूहा था जो सफ़ेद कलर का था, उसको उन्होंने एल्बर्ट नाम का जो बच्चा था उसको दिखाया. तो एल्बर्ट को चूहे से कोई डर नहीं लगता था. उन्होंने ये देखा कि क्या हम डर को लर्निंग के थ्रू सीख सकते हैं. इसको देखने के लिए उन्होंने एल्बर्ट को सफ़ेद चूहा दिखाने के साथ ही हथौड़े से एक आवाज़ करना शुरू किया, और बार बार जब भी उसको वो चूहा दिखाया जाता था तो उतनी बार वो हथौड़ा जोर से मारकर आवाज़ की जाती थी. तो बच्चे को उस आवाज़ को सुन के डर लगने लगता था. जब बार बार ये प्रोसेस की गई तो क्या हुआ कि बच्चे को चूहे से डर लगने लगा, क्योंकि उसे लगा कि चूहे के आते ही जो हथौड़े की जो जोर की आवाज़ है वो आ जाती है, इसलिए वो चूहे से डरने लगा. तो इस तरीके से उन्होंने लर्निंग से डर को कैसे सीख सकते हैं हम, ये उन्होंने शो करने का प्रयास किया. Then Mary Cover Jones did an experiment on Peter named Child and explained how fear can be unlearned using behavioristic principle. Then B.F. Skinner developed the theory of operant conditioning or operant reinforcement theory, which states that how often a behavior is executed depends on the event that follow the behavior. यानी जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो उसके बाद उस व्यवहार का हमें क्या प्रतिफल मिलता है उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा व्यवहार जो होगा उसकी दर कितनी होगी, क्या वो व्यवहार आगे होगा या नहीं होगा. जोसेफ वोल्फ ऑल्सो डेवलप्ड अ थेरेपेटिक टूल फॉर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ बिहेवियर थेरेपी दैट वॉज डेवलप्ड बाई जोसेफ वोल्फ. नाउ बिहेवियर, वट इज बिहेवियर थेरेपी एंड वट इज बिहेवियरिस्टिक अप्रोच. बिहेवियरिस्टिक अप्रोच सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एज अ रिजल्ट ऑफ मैल अडेप्टिव लर्निंग. Its basic assumption is that maladaptive behavior can be corrected through the provision of adequate learning experiences, and it aims to modify maladaptive behavior patterns by reinforcing more adaptive behavior. यानी व्यवहार चिकित्सा मानती है कि किस जिस प्रकार हम सही बिहेवियर को सीखते हैं उसी प्रकार maladaptive या गलत व्यवहार को भी हम सीख जाते हैं, और जिस प्रकार से हम किसी व्यवहार को भूल सकते हैं उसी प्रकार से maladaptive behavior या गलत व्यवहार को भुलाया भी जा सकता है कुछ तकनीकों के प्रयोग से. द मेन अजम्पशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी आर वी लर्न maladaptive behavior जस्ट लाइक adaptive बिहेवियर, एंड maladaptive बिहेवियर कैन बी unlearned यूजिंग सोशल लर्निंग एंड बिहेवियर modifications. There are many behavior modification techniques that can be used to unlearn the maladaptive behavior that the patient or the individual has already learned. It is important for the treatment which is an actual situation of the life. It assumes to take help of teachers, parents, family, friends so as to modify problematic behavior in the real life situation. Because behavior therapy ये मानती है कि हमें real life situation के जो incidents हैं वहीं पे काम करते हुए situation को solve करना है, वहीं पे उस problematic behavior को modify करना है. इसलिए यहाँ पे अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके behavior को modify करने के लिए उनके teachers, उनके family members, parents आदि की help यहाँ पे लेना suitable माना जाता है. So the behavior therapy works on this way. Maladaptive behaviors are weakened and eliminated, and later adaptive habits are initiated and strengthened. The principles of behavior therapy are, it is based on three basic theories of conditioning or learning. Theory of classical conditioning involves learning by association, and it usually the cause of most phobias.
कि जब हम लोग किसी सिचुएशन में ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हम बार बार उस चीज़ से को फेस करते हैं, तो हमारी उससे कंडीशनिंग हो जाती है और कई बार हम उस बिहेवियर को उस कंडीशनिंग के थ्रू सीख लेते हैं। जैसे कि फोबियाज के केस में अधिकतर ऐसा होता है कि आपके साथ मान लीजिए किसी कुत्ते ने कभी आपको काट दिया या उसने आपको नुकसान पहुँचाया, तो आपकी उससे कंडीशनिंग हो जाएगी और आपके मन में हो सकता है कुत्ते को लेकर भय पैदा हो जाए। उसी प्रकार से थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व लर्निंग बाय रीइन्फोर्समेंट विच इज ऑल्सो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एंड कैन एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर शुड लाइक एज ईटिंग डिसऑर्डर और एनी अदर एंग्जाइटी और फोबिया। बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी एंड रॉटर्स एक्सपेक्टेशन अप्रोच आर ऑल्सो द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर थेरेपीज। सो सम ऑफ द कॉमन बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स आर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग और इम्प्लोजिव थेरेपी, मॉडलिंग, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, अवर्जन थेरेपी, शेपिंग, प्रीमैक प्रिंसिपल, टोकन इकोनॉमी, कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग एंड टाइम आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को हिंदी में क्रमबद्ध असंवेदीकरण कहा जाता है, जिसको जोसेफ वुल्फ और सॉल्टर ने डेवलप किया था एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर कंडीशनिंग। जिस प्रकार से हम किसी कंडीशनिंग से किसी गलत व्यवहार को सीख लेते हैं, तो उसी प्रकार से उसको हम अच्छे या अच्छे स्टिमुलस के साथ हम अगर उसकी कंडीशनिंग कराते हैं, तो वो व्यवहार हम उसको भूल जाते हैं या उस मैल अडेप्टिव बिहेवियर को हम चेंज कर लेते हैं। इसमें बेसिकली तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, सेकेंड इज हायरार्की कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस। फर्स्ट स्टेप में रिलैक्सेशन ट्रेनिंग की जाती है, इसमें यूजुअली जेकोब्सन के द्वारा निर्मित जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है उसको यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो हमारा ट्रेनी होता है या जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एंग्जाइटी को दूर करके रिलैक्स मोड में आ जाए, क्योंकि इसका जो अजम्पशन है वो ये मानता है कि व्यक्ति एक बार में एक ही स्टेट में हो सकता है, या तो वो एंग्जाइटी के स्टेट में हो सकता है या वो रिलैक्स स्टेट में हो सकता है। तो यदि हम उसको रिलैक्सेशन करवा कर उसको रिलैक्स स्टेट में लेकर आ जाएंगे, तो वो बेहतर तरीके से आगे की जो प्रक्रिया उसको कर पाएगा। तो उसमें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के कुछ सेशन जो हमारा क्लाइंट होता है उसको सिखाए जाते हैं और उसको सिखाया जाता है कि कैसे वो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकता है। उसके बाद होता है हायरार्की कंस्ट्रक्शन। इसमें जो भी कंडीशन होती है उसकी हायरार्की बनाई जाती है कम से स्टार्ट करते हुए ज़्यादा की तरफ। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कुत्ते साइनोफोबिया है, कुत्ते से भय है, तो उसको उस कुत्ते का भय दूर करने के लिए एक हायरार्की बनाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले उसका सबसे कम डर, फिर उसके बढ़ते क्रम में उसको सबसे जो उससे ज़्यादा डरने वाली जो कंडीशन है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो अगर हम इस केस को देखें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो क्लाइंट है सबसे पहले उसको हम जो पहला स्टेप देंगे उसमें उसको दूर से एक कुत्ते को दिखाया जा सकता है कि कोई कुत्ते के साथ कोई बच्चे खेल रहे हैं या कोई व्यक्ति है उसको घुमा रहा है, उस कंडीशन को उसको दिखाया जाएगा। बाद में उसको धीरे धीरे पिंजरे में बंधे हुए या किसी अंदर बंधे हुए कुत्ते को के पास ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको उसको टच करने को कहा जाएगा, बाद में उसको उसके साथ खेलने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरीके से एक हायरार्की बनेगी। और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में व्यक्ति को डिसेंसिटाइजेशन कैसे किया जाता है, उसको एक्सपोजर दिया जाता है लेकिन एक्सपोजर रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं होता है। उसको रिलैक्स करके आंखें बंद करके उस सिचुएशन को अज्यूम करने के लिए कहा जाता है कि आप ऐसी परिस्थिति में हैं। हायरार्की वाइज वो चलेंगे, सबसे कम वाली हायरार्की को एज्यूम करने के लिए कहा जाएगा, फिर सेकेंड वाली हायरार्की को एज्यूम करने के लिए कहा जाएगा, फिर थर्ड वाली। इस तरीके से उसको जिस स्तर तक लेकर जाना है वहां तक लेकर जाया जाएगा। अब इसका यूज़ मोस्टली कहाँ कहाँ पे होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ड्रग अब्यूज़ और सर्टेन टाइप ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को क्योर करने में या उन मैल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लडिंग और इम्प्लोजिव टेक्निक। फ्लडिंग और इम्प्लोजिव टेक्निक जो है वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का दूसरा रूप है। इम्प्लोजिव टेक्निक में सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें एक हायरार्की नहीं तैयार की जाती है, उसमें डायरेक्ट उस एक्सट्रीम सिचुएशन को ही व्यक्ति को अज्यूम करने के लिए कहा जाता है जिस एक्सट्रीम सिचुएशन तक उसको लेकर जाना है, यानी कि सीधे कुत्ते के पास ले जाकर वहाँ पे उसको सोचने के लिए कहा जाएगा आँख बंद करके कि आप उस सिचुएशन में हैं कि आप एक कुत्ते के साथ बैठे हुए हैं, वो आपके साथ में है, आप उसके साथ खेल रहे हैं, सीधे उस सिचुएशन में उसको ले जाया जाएगा। फ्लडिंग में उसका दूसरा रूप होता है, फ्लडिंग में व्यक्ति को रियल लाइफ सिचुएशन में वहाँ पर लेकर जाया जाता है। सो
इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपोजिंग द इंडिविजुअल डायरेक्टली विद द एक्सट्रीम सिचुएशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एस्केपिंग फ्रॉम एंगजाइटी रीइन्फोर्स द एंगजाइटी थ्रू कंडीशनिंग. इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि अगर हम एंगजाइटी की सिचुएशन से भागेंगे या उसको एस्केप करेंगे तो ये एक रीइन्फोर्समेंट की तरह काम करेगा और वो बढ़ जाएगी. प्री मेच्योरली विदड्रॉइंग फ्रॉम द सिचुएशन में रीइन्फोर्स द फोबिया. एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द क्लाइंट ऑफ विथ हार्ट डिजीजेज और फ्रेजाइल साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन. बिकॉज एकदम से हम लोग उस सिचुएशन में उसको लेकर जाते हैं तो अगर उन्हें इस तरह की दिक्कत है उन्हें नुकसान हो सकता है या उसका साइड इफेक्ट उनको देखने को मिल सकता है. फ्लडिंग उन पेशेंट्स के लिए अच्छी मानी जाती है जो ज़्यादा इमेजिन नहीं कर पाते हैं या इस सिचुएशन में रह के वो सोच के उस परिस्थिति को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक्सप्लोर करके उसको महसूस कर पा रहा है सोचते हुए तो उसके लिए इम्प्लोजिव ज़्यादा बेहतर है या सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ज़्यादा बेहतर है. देन मॉडलिंग. मॉडलिंग जैसे नाम से ही क्लियर है कि मॉडलिंग करवाई जाती है किसी बिहेवियर की जिसको लर्न करवाना होता है और उसको ऑब्जर्व करके जो भी व्यक्ति होता है या क्लाइंट होता है वो उसे सीखता है. इसके लिए ये भी अधिकतर जो है फोबिया के जो केसेस होते हैं उनमें यूज़ की जाती है. जैसे बच्चों को अगर किसी जानवर से या किसी भी चीज़ से डर है तो जो काउंसलर उनके साथ होगा वो खुद जाके उस बिहेवियर की मॉडलिंग करेगा जिसको जिसको उसे सिखाना है या फिर कोई ऐसा पार्टिसिपेंट चूज़ करेगा जिसको जिसको एज अ मॉडल जो आपका क्लाइंट होगा वो मानता हो और वो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखना चाहता हो उससे वो बिहेवियर करवाया जाएगा. और उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो पेशेंट होता है उससे वही बिहेवियर को रिपीट करने के लिए कहा जाएगा. जब तक कि वो खुद नहीं करना चाहता तब तक उसको वो प्रोसेस बार बार करवाई जाएगी और धीरे धीरे करके जो पेशेंट होता है वो मॉडलिंग से उस बिहेवियर को सीख लेता है. तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनसे अपने हम उम्र के बच्चे या फिर वो जिसको अपना एक एज अ मॉडल मानते हैं उसके थ्रू ये टेक्निक्स या ये जो थेरेपी है वो करवाई जा सकती है. देन असर्टिवनेस ट्रेनिंग जिसको हिंदी में दृढ़ ग्राही चिकित्सा भी बोला जाता है. असर्टिवनेस ट्रेनिंग इज बेसिकली रिस्पॉन्स दैट सीक्स टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन पैसिविटी एंड एग्रेशन. असर्टिव रिस्पॉन्स प्रमोट फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन ह्यूमन इंटरेक्शन बेस्ड ऑन पॉजिटिव सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड अदर्स. Assertiveness training is a form of behavior therapy that is designed to help people stand up for themselves, to empower themselves and to maintain better social relationships. Usually, जब कोई व्यक्ति अच्छी social relationships नहीं maintain कर पाता है because उसको जो बोलने का उसका तरीका होता है वो सही नहीं होता है, उसको अपनी feelings को express करना सही से नहीं आता है या वो जब भी express करता है तो लोग उसको गलत ले जाते हैं, तो इस तरह की social skill training को व्यक्ति को सिखाने के लिए assertiveness training का use किया जाता है. और उसको उसके साथ कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं और उसको सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो अपनी भावनाओं को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंचाए, बिना पैसिव हुए या एग्रेसिव हुए वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है. इस तरीके से उसके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप की जाती हैं और उसके अंदर स्वयं को लेकर एक आत्मविश्वास भी डेवलप किया जाता है. देन अवर्जन थेरेपी जिसे हम विरुचि चिकित्सा बोलते हैं. इसमें क्या किया जाता है कि जिस बिहेवियर या जिस मैलअडप्टिव बिहेवियर को दूर करना होता है उसके प्रति विरुचि उत्पन्न की जाती है. सो व्हेन अ नॉक्सियस स्टिमुलस दैट इज आल्सो अ पनिशमेंट इज प्रेजेंटेड इमीडिएटली आफ्टर अ स्पेसिफिक बिहेवियरल रिस्पॉन्स थियोरेटिकली द रिस्पॉन्स इज इवेंचुअली इनहिबिटेड एंड एग्जीक्यूटेड. So there can be many types of noxious stimulus like electric shock, substance that induce vomiting, corporal punishment or social disapproval. Aversion therapy is suitable for many clients like alcohol abuse, as abusive patient, gambling behavior, paraphilia, impulsive and obsessive compulsive behavior. इसमें जैसे एक example अगर हम लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत शराब आदि पीता है तो उसको अगर इस चिकित्सा से हम सही करना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है, उसको शराब से अवर्जन या विरुचि पैदा करने के लिए ड्रिंक के साथ अल्कोहल के साथ उसकी उसमें कोई दवाई मिलाई जा सकती है जिससे कि उसके जब वो उसको पिएगा तो उसको उसके शरीर में कुछ नुकसान होगा. जैसे मान लीजिए उसका उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होने लगे, जिससे वो जितनी बार वो पिएगा उतनी बार उसके साथ ये दिक्कत आएगी तो उसके प्रति उसके मन में विरुचि उत्पन्न हो जाएगी और वो धीरे धीरे करके उसको छोड़ देगा. तो इस तरीके से विरुचि चिकित्सा काम करती है. इसके इसमें जो पहले से जो चीज़ें यूज़ की जाती थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह भी यूज़ किया जाता था, इसलिए इसको इसका विरोध भी हुआ क्योंकि इसको एक इमोरल टेक्निक बोला जाने लगा कि ये मॉरल तरीका नहीं है हम किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करके अगर हम उसको सही भी कर रहे हैं तो, इसलिए इसको नए रूप में यूज़ किया जाता है यानी कि उसकी जो पनिशमेंट है उनको मॉरल रखने का प्रयास किया जाता है और उनको प्रॉपर देख रेख में ही किया जाता है. इसके बाद है शेपिंग. शेपिंग को हम
सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग बाय विच सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टुवर्ड्स अ टारगेट बिहेवियर आर रीइन्फोर्स. शेपिंग और बिहेवियर शेपिंग इज अ वेरियंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. इन दिस इंस्टेंट ऑफ वेटिंग फॉर अ सब्जेक्ट टू एग्जिबिट अ डिजायर्ड बिहेवियर, एनी बिहेवियर लेडिंग टू टारगेट बिहेवियर इज रिवॉर्डेड. लाइक अगर एक बच्चे को सिखाना है कि वो टूथब्रश करना उसको सिखाना है, तो उसके छोटे छोटे बिहेवियर्स को जो उस बिहेवियर की तरफ उसे लेकर जाते हैं, हर बिहेवियर को रिइंफोर्स किया जाएगा या उसको रिवॉर्ड किया जाएगा. जैसे कि अगर बच्चे ने वॉश बेसिन की तरफ जाना भी इसने चाहा ब्रश के टाइम पे, तो वहाँ पे उसको बिहेवियर उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, उसके लिए क्लैपिंग की जा सकती है, उसको अच्छा बोला जा सकता है. फिर जैसे उसने ब्रश पकड़ना थोड़ा सा यूज़ करना शुरू किया, फिर उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है. इस तरीके से धीरे धीरे करके स्टेप बाई स्टेप उसको पूरी ब्रश करने की जो प्रक्रिया सीखनी है वहां तक का उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोक्सीमेशन के थ्रू उसको रेनफोर्स किया जाएगा और उसको उस बिहेवियर को सिखाने तक पूरा रेनफोर्समेंट दिया जाएगा. इट इज मोस्टली आल्सो यूज्ड इन हैबिट फॉर्मेशन एंड स्पीच थेरेपी ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड. देन प्रीमैक प्रिंसिपल. द प्रीमैक प्रिंसिपल वॉज डिराइव फ्रॉम अ स्टडी ऑफ सिबस मंकीज बाय प्रोफेसर डेविड प्रीमैक एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंड मास रूल. बिकॉज पुराने टाइम से ही हमारे जो मदर्स हैं या जो ग्रैंड मास हैं वो इस रूल को फॉलो करती आ रही हैं. इसमें क्या किया जाता है, प्रीमैक प्रिंसिपल सजेस्ट दैट इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू परफॉर्म अ गिवन एक्टिविटी, द पर्सन विल परफॉर्म अ लेस डिजायरेबल एक्टिविटी टू गेट अ मोर डिजायरेबल एक्टिविटी. दैट इज एक्टिविटीज मे देमसेल्फ बी रेनफोर्सर. अगर किसी अधिक डिज़ायरेबल एक्टिविटी को करवा कर लेस डिज़ायरेबल एक्टिविटी को एज अ रेनफोर्सर यूज़ किया जाए, तो वो एक दूसरे के रेनफोर्समेंट का काम करती है और इससे वो व्यक्ति जो है उस बिहेवियर को सीख भी जाता है. फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो मदर्स एक फॉर्मूला यूज़ करती हैं कि बच्चे जब खेलना जाना चाहते तो उनको बोला जाता है कि आप यहाँ पे जैसे ही आप होमवर्क करेंगे तभी आपको खेलने दिया जाएगा. तो जो मोर डिज़ायरेबल एक्टिविटी जो हमें उनसे करवानी है वो है होमवर्क करवाना, और हमारे लिए जो लेस डिज़ायरेबल एक्टिविटी है वो है उनका खेलने जाना. तो उनको एज अ रेनफोर्समेंट दिया जाता है कि आपको खेलने जाना दिया जाएगा, और इसके थ्रू उनको होमवर्क करना सिखाया जाता है या उसको रेनफोर्स किया जाता है. इसलिए इसको ग्रैंड मास रूल भी बोला जाता है. Then comes token economy. Token economy is an operant conditioning technique applied to groups such as classroom or mental hospital wards, involving the distribution of tokens or other indicators of reinforcement on desired behavior. The tokens can be later be exchanged for privileges like food or other reinforcement. अधिकतर आजकल schools में भी टेक्निक यूज़ की जाती है जिसमें एज अ एक टोकन अर्थव्यवस्था इसको बोला जा सकता है. टोकन दिए जाते हैं, अगर आपको बच्चों को कुछ बिहेवियर सिखाना है तो उनको टोकन्स एक प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको बोला जाएगा कि अगर आपने एक बार ये बिहेवियर किया तो आपको एक टोकन मिलेगा. ऐसे करते करते आपको एक बार में अगर 5 टोकन मिल गए या आपको 10 टोकन मिल गए, तो आप उन 10 टोकन से या 5 टोकन से कुछ चीज ले सकते हैं, यानी कि आपको खाना मिल सकता है या आपको गेम खेलने को मिल सकता है या किसी भी तरह का प्रिविलेज आपको मिल सकता है. तो अधिकतर जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी ये चिकित्सा यूज़ की जाती है, जहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं अगर उन्होंने अच्छा व्यवहार बार बार प्रदर्शित किया तो उनको हर बार एक टोकन दिया जाता है. और जब उनके पास काउंट नंबर में 10 टोकन हो जाते हैं या 5-10 टोकन जितना भी उनके लिए सेट होता है इतने टोकन हो जाते हैं, तो उनको फिर उस टोकन के बदले या तो कुछ खाना दिया जाता है या छुट्टी दी जाती है या घर वालों से मिलने दिया जाता है. इस तरीके का जो प्रिविलेज उनको चाहिए होता है वो उनको दिया जाता है, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट पहले से सेट हो जाता है. तो इट इज़ ऑल्सो अ यूजफुल टेक्निक. Then time out. Time out is an aversive stimulus or punishment during which the client is removed from the environment where the unacceptable behavior is being exhibited. The client is usually isolated so that the reinforcement from attention of other is absent. For example, student Sophia and her brother Mario are playing with building blocks. Sophia throws some blocks on her brother. So you give her a warning that she will be on a time out if she does it again. A few times later, she throws more blocks on Mario. You remove Sophia from the room for a few minutes. When she comes back, she doesn't throw back. So this is a time out technique. जो usually schools में भी follow की जाती है कि अगर बच्चा class में परेशान कर रहा है, वो कुछ दूसरों को परेशान कर रहा है, दूसरे बच्चों को, तो उसको क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता है. दैट इज़ अ टाइम आउट टेक्निक. बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम टाइम आउट उस
एक्टिविटी से करें जो उसके लिए बहुत डिजायरेबल एक्टिविटी है उस क्लाइंट के लिए। अगर उसके लिए वो एक्टिविटी अनडिजायरेबल है तो वहाँ से उसको टाइम आउट करने से उसके बिहेवियर को और ज़्यादा रिइन्फोर्समेंट मिलेगा और वो उसके लिए मतलब ये सही फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो मैथ्स की क्लास से बाहर जाना चाहता है और अगर उसको ये पसंद है तो वो मैथ्स की क्लास में कुछ एक्टिविटी करेगा जिससे टीचर उसको बाहर कर देगा और उसके लिए वो अच्छा होगा क्योंकि वो बाहर जाना चाहता था, उसको मैथ्स की क्लास से दूर भागना था। तो ये टाइम आउट का सही तरीका नहीं है, इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम उसी चीज़ से उस क्लाइंट को टाइम आउट करें जो उसके लिए काफ़ी डिजायरेबल है या उसके लिए प्रिवलेज है वाली है। नेक्स्ट इज बायोफीडबैक टेक्निक। बायोफीडबैक थेरेपी इज अ नॉन ड्रग ट्रीटमेंट इन विच पेशेंट लर्न टू कंट्रोल बॉडीली प्रोसेस दैट आर नॉर्मली इनवॉलेंट्री लाइक मसल टेंशन, ब्लड प्रेशर, GSR रेट, हार्ट रेट एक्सेट्रा। एज इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव एंड डज नॉट इन्वॉल्व ड्रग, देयर इज लो रिस्क ऑफ अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट। इट मे हेल्प अ रेंज ऑफ कंडीशन लाइक क्रोनिक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, हेडेक, पेन, एंग्जाइटी एंड माइग्रेन हेडेक एक्सेट्रा, और डेंटल पेन कैन ऑल्सो भी ट्रीटेड। इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति को उसके जो बॉडी के इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज हैं उनको एक मशीन की सहायता से उसको सिखाया जाता है कि कैसे उसकी बॉडी के इन जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज हैं इनमें चेंज हो रहा है, उसे एक मशीन में रखा जाता है और वहाँ पर उसकी सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं रिस्पॉन्सेज को। और अगर व्यक्ति अगर एंग्जाइटी की स्टेट में है या पेन की स्टेट में है तो उसके जो रिस्पॉन्सेज होंगे बॉडी के वो मशीन्स में जाएंगे और वो एक सिग्नल के रूप में उसे मिलेंगे, यानी कि या तो वहाँ पे बीपिंग साउंड होगी या वहाँ पे लाइट जलेगी और लाइट तेज़ी से बढ़ेगी या बीपिंग साउंड तेज़ी से बढ़ेगी और व्यक्ति को पता चलेगा कि उसके जो बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वो बढ़ रहे हैं। और उसको अपनी मसल्स को रिलैक्स करने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि जैसे जैसे वो अपनी मसल्स को या अपने बॉडी रिस्पॉन्सेस को रिलैक्स करेगा वैसे वैसे जो बीपिंग साउंड है वो भी कम होती जाएगी या लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो सीख जाता है कि कैसे उसे अपनी बॉडी को रिलैक्स स्टेट में लेकर आना है। सो इट इज़ यूजअली इट यूजअली हेल्प्स टू टीच अ क्लाइंट टू रिलैक्स वंस स्टेट ऑफ बॉडी। सो इन दिस वे बिहेवियर थेरेपी वर्क्स। सो आज हमने सीखा कि बिहेवियर थेरेपी क्या है, इसके अजम्पशंस क्या है, इसकी नॉर्मल जो टेक्निक्स हैं वो क्या है। लेकिन बिहेवियर थेरेपी में अधिकतर ये माना गया कि इसमें कॉग्निशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, इसमें सिर्फ बिहेवियर को इंपॉर्टेंस दी गई है। इसलिए बिहेवियर थेरेपी के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सब आगे जाके आए जिनको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।